guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, you are watching me on the traveling guy. So आज की वीडियो में गाइस हम जा रहे हैं AM Hyundai, जो कि आपको पता है कि मलिक मार्केट के पास ही मेन रोड का हाईवे पे है। आज की वीडियो में हम वॉक अराउंड करने वाले हैं ग्रैंड आई10 नियोस के बारे में। अगर मैं गाड़ी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूँ आपको, तो ये मेनली फोर वेरियंट्स में आती है, एरा, मैगना, स्पोर्ट्स और एस्ट्रा। इन सब वेरियंट्स के जो है, सब वेरियंट्स भी काफ़ी सारे हैं। हर एक वेरियंट के नाम और प्राइसिंग जो है मैं ब्लॉग में डाल दूँगा वीडियो में, सो पूरा चेक कर लेना इसको। सो भाई ये वीडियो लास्ट तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. सो गाइस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिव्यू। आप सामने देख सकते हैं ये जो कलर है Hyundai, इसको एक्वा टील कलर कहती है। और अगर गाड़ी को आप सामने से देखें तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाती है। उसके साथ ही आपको जो है हेड लैम्प असेंबली मिलेगी। यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब दिए गए हैं, उसके साथ ही आपको जो है टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं हेडलाइट असेंबली के नीचे ही आपको जो है एक स्पेस दी गई है फॉग लाइट्स के लिए, जो आप आफ्टर मार्केट या जेन्युइन पार्ट से भी ले सकते हैं कंपनी से। और उसके बाद बात करते हैं सामने ग्रिल के साथ ही आपको बूमरिंग टाइप DRLs दी गई हैं। और साइड से अगर देखें तो कुछ ऐसी लुक निकल के आती है ग्रैंड आई10 नियोस की। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ही गाड़ी आती है। अगर हम व्हील्स की बात करें तो आपको ब्लैक स्टील व्हील्स मिलेंगे विद अलॉय टाइप व्हील कवर्स। और जो टायर रहेगा वो अपोलो कंपनी का रहेगा। और अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो 165/17 R14 inches के जो है टायर्स रहेंगे। और अगर आप साइड मिरर की बात करें तो बॉडी कलर्ड साइड मिरर रहेंगे विदाउट इंडिकेटर, क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं वो साइड फेंडर पर दिए गए हैं, जो कि आप सामने देख सकते हैं। और ये कुछ साइड लुक है ग्रैंड आई10 नियोस की। और अगर हम बॉडी पिलर्स की बात करें तो AB पिलर्स जो है बॉडी कलर रहेंगे, और जो C पिलर है उसमें आपको ग्रैंड आई10 की जो है ब्रांडिंग एम्बॉस की हुई देखने को मिलेगी, उसी के साथ जो है पियानो फिनिश। और डोर हैंडल्स की बात करें तो वो भी आपके बॉडी कलर्ड ही रहेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं टेल लाइट जो रहेगी सी टाइप में रहेगी विद इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट। और यहाँ पे आपको नियोस की बैजिंग और Hyundai की बैजिंग आप देख सकते हैं, और ग्रैंड आई10 की बैजिंग भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और अगर बम्पर आप देखते हैं, बम्पर पे आपको जो है पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, जो कि एक बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे जो है आपको हाई माउंटी स्टॉप लैम्प, और रूफ पे आपको एंटीना भी मिल जाएगा। अगर आप डिफॉगर की बात करें, डिफॉगर और वाइपर आपको बैक साइड नहीं मिलेगा। और बम्पर पे आप देख सकते हैं आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं बम्पर पे। और यहीं पे अगर आप देखें तो बम्पर के नीचे आपको स्किड प्लेट्स भी देखने को मिलेंगी। और लेफ़्ट साइड से जो है फ्यूल टैंक की ओपनिंग रहेगी। ये जो फ्यूल टैंक है 37 लीटर्स का रहेगा, और इस टैंक से कंपनी 20.7 किलोमीटर पर लीटर्स की माइलेज क्लेम करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनुअली फोल्डेबल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स, और फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर्स। चलिए एक्सटीरियर कवर कर लिया है, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और आपको बताते हैं कि ग्रैंड आई10 नियोस का जो इंटीरियर है मैग्ना वेरिएंट का कैसा है। लेट्स गो। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कंट्रोल्स और यहाँ पे ड्राइवर साइड विंडो पे प्रोवाइड किए गए हैं। साइड मिरर, पावर विंडो, ग्लास लॉक, अनलॉक, सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और कुछ ऐसा आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जो कि एक राउंड स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम इसमें नहीं आता। सिल्वर इंसर्ट भी आपको इस स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाएगा, और ऑडियो के कंट्रोल्स। और अगर हम मीटर की बात करते हैं तो मीटर में आपको लेफ्ट साइड RPM मीटर मिल जाएगा, राइट साइड आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, सेंटर में आपको MID मिल जाएगी, जिसमें आपको जो है काफ़ी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। फाइव डोर्स ओपनिंग की जो इंडिकेशन है आपको इस मीटर में मिल जाएगी, इंक्लूडिंग डिक्की, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू MP, हर एक फीचर्स मीटर में आपको देखने को मिलेगा। और अगर म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो आपको 2 DIN का म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे मिलेगा। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको AUX USB Bluetooth के साथ ये म्यूज़िक सिस्टम आता है,
और म्यूजिक सिस्टम के नीचे ही काफ़ी सारे कंट्रोल्स करने के लिए बटन्स भी मिलेंगे आपको। उसके नीचे जो है सेंटर में आपको एसी वेंट्स के नीचे आपको जो है एसी के कंट्रोल्स और गियर नॉब आप देख सकते हैं। गियर नॉब के आगे थोड़ी सी स्पेस दी गई है, आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखता है। 3 टोन में डैशबोर्ड है और जो साइड वेंट्स रहेंगे एसी के वो राउंड में रहेंगे। और आप देख सकते हैं, क्लोज़र लुक ले लीजिए आप। और यहाँ पे आपको स्पीकर्स भी मिलेंगे 4 विंडो में, जिसकी जो ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर इन फ्यूचर मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे विजिट करके एक वीडियो डालूंगा डेफिनेटली म्यूजिक सिस्टम के बारे में भी। और डोर पे भी आप देख सकते हैं, डोर जो क्लैडिंग है 2 टोन में है। और बैक सीट से कुछ ये व्यू है। और रियर रो की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रियर रो में भी एसी वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। एसी वेंट्स के नीचे आपको जो है 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। और यहाँ पे रूफ लैंप की बात करें तो रूफ लैंप आपको एक ही प्रोवाइड की है सेंटर में, फ्रंट में आपको रूफ लैंप नहीं मिलती है। और ऐसा कुछ आपको रियर डोर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सामान रखने के लिए यूटिलिटीज़ दी गई हैं, पावर विंडो के कंट्रोल, नीचे बॉटल रखने के लिए भी स्पेस दी गई है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। और सीट्स की बात करूँ तो आपको फ्रंट और रियर सीट्स के जो हेडरेस्ट हैं वो फिक्स ही रहेंगे आपके। और यहाँ पे आपको क्लोजर लुक, यहाँ आप देख सकते हैं आपको नीचे फ्रंट में भी USB का पोर्ट मिलता है और 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है फ्रंट में भी आपको। उसके नीचे ही फ़ोन रखने के लिए स्पेस और गियर नॉब भी आप देख सकते हैं, सिंपल ही है। अगर सेफ्टी वाइज बात करूँ तो ड्यूल एयरबैग्स ABS विद EBD के साथ ये गाड़ी आती है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को जो है 2 to 3 stars इसको मिले हुए हैं। और अगर हम वारंटी की बात करें तो 3 years 1 lakh किलोमीटर्स, 4 years 50,000 किलोमीटर्स और 5 years 40,000 किलोमीटर्स के साथ ये गाड़ी आती है। अगर इंजन ऑप्शंस की बात करें तो ग्रैंड आइटन न्योस जो है 3 इंजन ऑप्शंस ऑफर करती है। 1.2 liter 3-cylinder डीजल इंजन, 1.2 liter 4-cylinder पेट्रोल इंजन, 1.0 liter टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। अगर ट्रांसमिशन की बात करूँ तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ये गाड़ी आती है। वेरिएंट वाइज प्राइसिंग मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही डाल दी थी, आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी हम्बल पर्सन है, कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से उनको कॉल करिए और अपने जो डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के अलावा भी जो हम काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू, साइनिंग आउट।